Sam. ब्रह्मा जी का सोच है, शिव का रुद्र क्रोध है, श्री हरि से कोर राम परशुराम परशुराम बस। अपनी श्वास को संभालो तुरंग, लगता है आज अभ्यास ज्यादा हो गया। चलो तुम्हें स्नान कराता हूं, चलो। जमदग्नि पुत्र राम, क्या सोच रहे हो मैं चूक गया? नहीं राम, इस वार के लक्ष्य तुम नहीं थे। आप हैं कौन और आपने मुझ पे कृपाण से वार क्यों की? देख रहा हूं जिन सिद्धियों को पाने में साधक को वर्षों लग जाते हैं, वे सिद्धियां स्वतः तुम्हारे देह में जागृत हो रही है। सिद्धियां? कैसी सिद्धियां? इसमें देह भारहीन हो जाता है एवं व्यक्ति वायु वेग से भाग सकता है, जैसे तुम भाग रहे थे अपने अश्व के साथ होड़ लगाते हुए। लघिमा सिद्धि के बिना संभव नहीं है। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल की व्यवहारिक परीक्षा ले रहा था कि तुमने मेरी शिक्षा को कितना आत्मसात किया है, ताकि मैं तुम्हें और कठिन आधुनिक
युद्ध कला की शिक्षा दे सकूं। तुम उस परीक्षा में सफल हुए, मेरे शीश पे आपका आशीर्वाद भी बना रहे गुरुदेव। राम, इस मिट्टी से पवित्र दूसरा कुछ नहीं। तुम्हें इस मिट्टी के कई ऋण चुकाने हैं। आज से मैं तुम्हें नई शिक्षा प्रदान करूंगा। सबकी बहुत याद आएगी। स्मरण रहे, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब बादलों से पृथक होती है तो उसे भी यह संशय होता है कि अब जाने क्या होगा, पर जब वो सीख पर गिरती है तो मोती बन जाती है। और तुम्हें भी वही मोती बनना है। मृगुकुल के मस्तक पर तिलक समान दमकता हुआ अनमोल मोती। किंतु माँ, अगर मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता हुई तो? वो देखो, उस चांद को देख लेना, और मैं भी उसी चांद को देखूंगी, और यही चांद हम दोनों के बीच के वार्तालाप का सेतु बनेगा। माँ। राम, तुम्हारी गोद होती तो अब तक चैन की नींद सो जाता। चंदा भी सो नहीं पावे, तारे जोड़े रैन सजावे, याद करे वो भी निंदिया माँ को, गोदी में लेके मैया मुझको सुला दो, भ्रमण करना सपनों के भाव। कठिन करनी है काम रे, सोचा
बचाओ बचाओ हमारे बच्चों को बचाओ 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 हमारे बच्चों को बचाओ बचाओ हमारे बच्चों को बचाओ 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 हमारे बच्चों को बचाओ हमारे बच्चे को बचाओ। क्या हुआ माई? न जाने कौन सी विपदा हमारे गांव पर आन पड़ी है माई। हमें बचा लीजिए माई, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए माई। हाँ माई, न जाने कौन सा हिंसक पशु या राक्षस था वो, हमारे बच्चों को उठा ले गया माई। किंतु एकाएक ऐसा कैसे हो गया? इस क्षेत्र में तो कोई हिंसक पशु या कोई राक्षस है ही नहीं माई। इस वन प्रदेश में कौन किसी को रोक सकता है? न जाने कहां से ये हिंसक प्राणी आ गया है। अब आपके अतिरिक्त हमें बचाने वाला कोई नहीं है। हमारे बच्चे संकट में है माई, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। पिताजी हमें बचा लो। किंतु वो है कहाँ? वो उस तरफ पहाड़ों पर गया है। वहाँ अनेकों गुफाएं हैं। हाँ, मनुष्य की भांति चल रहा था वो, कदाचित कोई दानव है। उसने मात्र बच्चों को उठाया है, कदाचित कोई तांत्रिक तो नहीं? बचा लो हमें माँ, बचा लो हमें, बचाओ पिताजी, बचा लो हमें, बचा लो हमें पिताजी, बचा लो माँ। नहीं। तांत्रिक? कहीं ये कपालिक डड्डनाग तो नहीं? यदि ऐसा है तो अनर्थ हो जाएगा। डड्डनाग? वो कैसे हो सकता है? वो तो वर्षों पहले मर चुका था। कपालिक आसानी से नहीं मरते, ये जरूर डड्डनाथ होगा। वो अपनी अधूरी अघोर सिद्धियां प्राप्त करने आया होगा। अब हमारे बच्चों को कौन बचाएगा? राम।
जागो, दैत्यनाथ को मालिक जगा रहा है। जागो, जागो दैत्य देवताओं, जागो। कान को कैसे बचाएंगे? मदद करो भगवान, हमारे बच्चे को बचा लो। आज मेरी अधूरी साधना पूर्ण होगी। एक सहस्त्र चार बलि में दे चुका हूं। इन चतुर्थ बलि के पश्चात मैं इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली कपालिक बन जाऊंगा। सबसे शक्तिशाली कपालिक।